तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू द टॉक स्टूडियो चैनल। मतलब टॉक स्टूडियो चैनल पे आप लोग का वेलकम है। तो अब हम लोग आज कुछ सेटिंग के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो मतलब प्रो सेटिंग जिसको बोलते हैं, प्रो सेटिंग मतलब आप मतलब बहुत बंदे को पता नहीं रहता है सेटिंग किसका कैसा रहता है, ए सेटिंग पे क्या काम है, ए सेटिंग पे वो क्या काम है, रेड डॉट का क्या काम है, टू स्कोप का क्या काम है, फोर स्कोप का क्या काम है, AWM स्कोप का क्या काम है। तो ये लोग मतलब इन सब चीज़ हम लोग थोड़ा मतलब कवर करके कर देंगे, हम लोग बात कर देंगे। तो पहले आते हैं हम लोग ग्राफिक्स पे। इधर बेसिक पे पहले अगर घुसोगे तो इधर ग्राफिक्स का ऊपर में ही देता है। तो ग्राफिक्स में आप जाओगे, फिर ग्राफिक्स का तीन आता है, एक स्मूथ, एक स्टैंडर्ड, एक अल्ट्रा। तो आप लोग अगर 1 GB 2 GB रैम वाला मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हो तो आप लोग के लिए स्मूथ बहुत ही अच्छा है, स्मूथ से खेलो। ज़्यादा अल्ट्रा भी मत करना, ज़्यादा स्टैंडर्ड भी मत करना, नहीं तो बंदा जब ज़्यादा अगर ब्राज़ीला पे अगर पीक पे अगर उतरते हो तो उधर ज़्यादा बंदा आता है तो अगर उधर उतरोगे तो फ़ोन बहुत ख़तरनाक लैग कर सकता है। इसलिए आप लोग स्मूथ पे खेलो, स्मूथ पे अच्छा चलता है, स्मूथ भी अच्छा है। और जो लोग मतलब 6 GB 7 GB जिस चीज़ का रैम है वो लोग अल्ट्रा स्टैंडर्ड में खेल सकते हो, मतलब खेल सकते हो नहीं, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं मिनी मैप पे। मिनी मैप पे देखो, इधर है नॉर्थ अप, इधर है रोटिंग। ये रोटिंग रोटिंग पे आप लोग रखना, नॉर्थ अप पे मत रखना, यही आप लोग को बता दे रहा हूँ बस। इस बार हम लोग चल जाते हैं सेंसिटिविटी में। तो अगर आप लोग ड्रैग शॉट मारते हो, मतलब ड्रैग हेड शॉट अभी नया आया ना, तो अगर ड्रैग शॉट मारते हो तो आप लोग 100 में सेंसिटिविटी में रख, कोई बात नहीं, 100 में मतलब प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। तो अगर ड्रैग शॉट नहीं मारते हो, अगर नॉर्मली मारते हो, अगर आप M10 यूज़र हो, मतलब शॉट गन अगर यूज़र हो, तो शॉट गन यूज़र के लिए आप लोग 50 से थोड़ा सेंसिटिविटी कम करके रखना, 42 40 40 38 ऐसा करके आप लोग सेंसिटिविटी रख सकते हो। इसलिए मतलब शॉट गन का मतलब रिकॉइल होता है ना, तो इसलिए आप मतलब अगर आप ज़्यादा ज़्यादा में रखोगे तो सेंसर भी अप डाउन होता है, तो बंदे का एम नहीं लगता उधर। तो अगर मतलब थोड़ा सेंसिटिविटी कमा के रखोगे तो शॉटगन बहुत अच्छा चलता है, वो बहुत तगड़ा भी चलता है। तो चलो, और MP40 यूज़र के लिए 60 67, जैसे मतलब जैसे आप लोग का हाथ बैठे उसी तरह आप लोग रख सकते हो। तो रेड डॉट मेरे को जो पता है रेड डॉट क्या काम करता है, जब वो जब आप पीक में उतरे हो उधर एक घर में, मतलब घर रहता है ना बेलकुनी वाला घर, डबल डोर, अगर आप बेलकुनी वाला घर पे हो और डबल डोर पे मार हो रहा है तो उधर रेड डॉट एक आता है ना बंदे का, रेड डॉट, तो रेड डॉट का वही काम है। तो रेड डॉट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है मेरे को। तो चलो आ जाते टू स्कोप पे। तो टू स्कोप का काम है, टू स्कोप आप लोग मतलब जैसे आप लोग मतलब सेटिंग करके आप जैसे मन तैसे रख सकते हो। टू स्कोप का काम है, आप लोग जब स्कार एक ही बोट से बना, जब टू स्कोप में जब जूम करोगे तो उधर जो सेंसिटिविटी आता है, मतलब जब नॉच करते हो, जब मतलब जो स्किन को जब टच करके एनिमी की तरफ फोकस करते हो, तब मतलब जो फोकस होता है ना उसको ही टू स्कोप का सेंसिटिविटी कहा जाता है। मतलब ऐसे करके मतलब इधर देखो जेनरल पे है ना 45, तो इधर भी टू स्कोप को आपको ऐसे ही करके कुछ मतलब सेटिंग करके रखना पड़ेगा। फोर स्कोप भी वैसा ही और AWM स्कोप भी ऐसा ही। और फिर हो गया। अब चलो आप दूसरी वाले और कंट्रोल पे आ जाते हैं। तो कंट्रोल पे देख सकते हो पहले जो है M Precisions, तो पहले डिफ़ॉल्ट, फिर है Precisions ऑन स्कोप, फिर है फुल कंट्रोल। तो आप लोग अगर डिफ़ॉल्ट में अगर आप लोग मतलब जूम इन जूम आउट करके मारते हो तो आप लोग डिफ़ॉल्ट में खेलते रहो, बहुत ही अच्छा है। अगर मतलब अगर हेड मारते हो तो Precisions में खेलते रहो, कोई बात नहीं, और फुल कंट्रोल को कोई बात ही नहीं, अगर खेलना चाहते तो खेल सकते हो। फिर आता है लेफ्ट फायर बटन। तो लेफ्ट फायर बटन का क्या काम है, लेफ्ट फायर बटन आप अगर इधर मतलब अगर जूम करोगे, इधर देखो दिखा रहा है, अगर जूम करोगे तो इधर एक ऑप्शन आता है इसका, तो इसको बोलता है लेफ्ट फायर बटन। इधर या दिया हुआ स्कोप ओनली, मतलब जब स्कोप करोगे तभी आएगा, अगर ऑलवेज कर दोगे तो वो रहेगा। तो ये आप लोग के डिफेंड ऊपर है, मतलब कोई कोई बंदा इधर भी मतलब स्कोप ऑलवेज करके रखता है, इधर भी शॉटगन चलाते इस
फायर वाला बटन से इस फायर वाला बटन से भी चला सकते हैं, तो आप लोग की जो अच्छा लगे। मतलब देखो पहले बता रहे, अगर लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज पे रखोगे थोड़ा मतलब दिक्कत होगा कुछ दिन, फिर अगर प्रैक्टिस हो जाए ना तो बहुत मस्त मतलब चलता है। देखो मेरा तो ऑलवेज पे रहता है पहले बता रहे। चलो फिर आते हैं क्विक ओपन पे। क्विक ओपन आपको ऑन करके रखना है, क्विक ओपन का स्विच आपको ऑन करके रखना है, क्विक रिलोड का स्विच भी आपको ऑन करके रखना है, और AWM स्नाइपिंग नॉर्मल पे है, होल्ड फायर टू स्कोप, होल्ड फायर स्कोप पे आपको रखना है, विचर कंट्रोल तो टू एंड पे भी मतलब टू एंड ही रखना, इन गेम टिप्स ए डिफॉल्ट पे भी रखना, ऑटो परचरेटर ए ऑन रखना, और विजुअल इफेक्ट ए क्लासिक पे ही रखना। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑटो पिकअप के ऊपर। फिर ऑटो पिकअप पे आता है ओपन, तो ओपन पे ये लोग सब मतलब ये चीज़ ओपन मतलब जब आप उतरोगे फटाक से आपके पास कुछ अगर गान पड़ा रहे नीचे तो आप फटाक से उसको अब मतलब अपने आप उठ जाएगा आपके पास। और एरमोर एंड बैक पेस इसका ए भी अरम मतलब बैग जो इधर उधर पड़ी रहता है वो भी अपने आप उठ जाएगा, और एरमोर मतलब हेलमेट या वेस्ट ये भी इधर उधर पड़ा रहता है ये भी उठ जाएगा, और मेडिकिट भी ऑन रखना ये भी इधर उधर पड़ा रहता है ये भी उठ जाएगा फटाक से। एमओ भी, एमओ का मतलब है जो गान का एमओ रहता है मतलब बुलेट रहता है मतलब जिसको बोलता है गोली हिंदी में, तो उसको एमओ बोलता है, वो भी जब इधर उधर पड़ा रहेगा उसको भी ऑन करके रखना वो भी फटाक से उठ जाएगा। अचीवमेंट को भी ऑन ही रखना, अचीवमेंट मतलब वो जो लेवल टू का माजल, लेवल टू का माजल, लेवल थ्री का माजल, साइलेंसर, तब मतलब फोर ग्रिप लेवल वन का, लेवल टू का, ये भी ऑन करके रखना, ये भी अच्छा चीज़ है, ये भी फटाक से अगर आपके पास लेवल टू है, अगर लेवल थ्री आप एक बंदे को मारा उसके पास अगर लेवल थ्री है तो आपके आप अगर ऑन करके रखते हो तो ऑटोमेटिक इसका या AK-47 में ऑटोमेटिक वो लेवल थ्री का कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑन ही करके रखना। और ग्रेनाइट भी ऑन ही रखना, मतलब फटाक से अगर लूटना चाहते हो इधर अगर रास कर रहे हो तो ग्रेनाइट भी ऑन ही रखना, ये मतलब फटाक से उड़ जाएगा। और ये कॉम्फ्लू मतलब ये जो भी बोलता है इसको भी इसको ऑफ करके रखना, मतलब एक गिली भूस वो रहता है ना जो पबजी में रहता है गिली भूस, तो इधर रहता है झाड़ी, एक झाड़ी रहता है ना जो मतलब उसको मतलब जो बोलता है ना हिकोंग का करेक्टर में जो जिसका एबिलिटी है वो जो झाड़ वो रहता है मतलब ड्रॉप पे वो अपने आप उड़ जाता है। फिर वो जो डब्बा मतलब जिसको ड्राम बोलते हैं लाल वाला वो भी अपने आप उड़ जाता है, तो उनको ऑफ करके रखना है। और इवेंट आइटम भी ऑन करके रखना ताकि इवेंट कोई भी चीज़ अगर इवेंट अगर आए तो आप फटाक से उसको उठा पाओ। तो चलो इस बार साउंड पे आ जाता है, साउंड पे म्यूजिक को आपको एकदम कम करके रखना है, म्यूजिक का थोड़ा मतलब कोई उतना या और साउंड इफेक्ट वॉयस ए आप अपनी मर्जी से रख लेना है। फिर और क्या बात हो गया, आपको समझ में आ गया? और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग कमेंट पे मैसेज कर सकते हो।